नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। इस वक्त का जो समाचार आ रहा है वो है श्रीगंगानगर से भारी बारिश का। जिले में 3 दिन से भारी बारिश हो रही है। श्रीगंगानगर में पानी की निकासी नहीं होने के चलते पूरा शहर लबालब हो गया और प्रशासन के पास पानी निकासी हो इससे इतनी बड़ी मोटरें और संख्या नहीं है। जिला कलेक्टर रुक्मणी रियाद ने फाइटर को जानकारी देते हुए बताया कि सेना के अधिकारियों के साथ वार्ता हुई है, अतः पानी निकासी के लिए सेना की मदद ली जा रही है। उनसे बड़े हार्स पावर की 100 मोटरों के साथ व्यवस्था मांगी गई है। सेना पानी निकासी की व्यवस्था में जुटने वाली है। आज शुक्रवार को तीसरे दिन भी बादल जमकर बरस रहे हैं। 2 दिन पूर्व शुरू हुई बारिश से सड़कें लबालब भरी थी। उस पानी की निकासी अभी हो भी नहीं पाई थी कि आज सुबह से फिर बारिश शुरू हो गई। अत्यधिक बारिश होने के चलते सड़कें लबालब हो गई, जिसके चलते वाहन बीच रास्ते बंद हो गए। एक तरफ बारिश से जमा पानी ने परेशान किया, वहीं दूसरी तरफ LNT कंपनी द्वारा सीवरेज डालने के लिए खोदे गए गड्ढों में गिरकर अनेक लोग चोटिल हुए। सीवरेज कंपनी द्वारा पूर्णतया घटिया स्तर का काम श्रीगंगानगर में किया जा रहा है, लेकिन इस तरफ न जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं न ही प्रशासन। शहरवासियों के समझ में यह बात नहीं आ रही कि ऐसा कौन सा सीवरेज का काम हो गया है जो 7 साल से अधिक हो गया लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ और न ही कोई सकारात्मक परिणाम नजर आ रहे हैं। बारिश के चलते पानी लोगों के घरों और दुकानों में घुस गया, वहीं अनेक कच्चे मकान भी धराशायी हुए। लोग सोशल मीडिया के माध्यम से शहर की लबालब हुई सड़कें, फंसे वाहन व घरों में घुसे पानी की वीडियो व फोटो डालकर शासन और प्रशासन को कोसते नजर आए। नगर परिषद के द्वारा मानसून से पूर्व किए गए वह दावे भी फुस नजर आए, जिसमें बरसात होने की स्थिति में पानी की निकासी होने की बात कही गई थी। आज हुई बारिश ने यह भी साबित कर दिया कि श्रीगंगानगर को लेकर यहाँ के जनप्रतिनिधि कितने गंभीर हैं। बरसाती पानी की निकासी नहीं होने के चलते अनेक लोग घरों से बाहर ही नहीं निकले। जो लोग अपने वाहनों के माध्यम से घरों से बाहर निकले वह बीच सड़क के बरसाती पानी के बीच फंसे नजर आए। हालांकि नगर परिषद द्वारा पानी निकासी की उचित व्यवस्था किए जाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन यह दावे खोखले साबित कर रहा है सड़कों पर जमा पानी। सत्ता कांग्रेस की हो या भाजपा की, गंगानगर के हालात जस के तस हैं। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, इससे पहले वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे वर्ष 2018 में श्रीगंगानगर आई थी तो उस वक्त भी बरसाती पानी का मुद्दा मंच पर उठा था, लेकिन हालात में सुधार नहीं हुआ। जबकि उस वक्त मौके पर मौजूद अधिकारियों को वसुंधरा राजे के निर्देश दिए थे कि पैसे की कमी नहीं है, पानी की निकासी की स्थायी व्यवस्था की जाए। 4 वर्ष बीतने के बावजूद हालात जस के तस हैं। क्योंकि पैसे की कमी नहीं है, पैसे बार बार आपके पास भेजेंगे। आप इनका कहना है एक आपके लोग टूटे हुए हैं। चुप रहो भाई, एक मिनट चुप रहो। एक तो आपके लोग टूटे हुए हैं, नंबर एक। नंबर दो, इनका कहना है कि अगर बरसात होती है तो पूरा का पूरा गंगानगर डूब जाता है। कहना है कि अगर बरसात होती है तो पूरा का पूरा गंगानगर डूब जाता है। Why? नहीं, ये कटोरी नुमा हो सकता है, परंतु इतने दिन के अंदर अपने को कुछ तो सोचना चाहिए कि इसका पानी की निकासी किस तरीके से निकाल सकते।